हेलो। देखिए, आपका ये डॉक्टरी ना फ्रस्ट्रेशन चल रहा था, और भाई आप लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना होइए, क्योंकि बड़ी खतरनाक फ्रस्ट्रेशन होता है। यानी कि आपका और फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होना है भाई, उत्साह और उमंग क्या करना है बनाए रखना है। आपका पढ़ाई में मित्रता में कम और पढ़ाई में क्या ज़्यादा, क्योंकि मित्रता काम नहीं आएगी, मैं लास्ट में बता दूं तब शुरू किया जाए। पहला खा आपका मित्र हो, माता हो, पिता हो, काम आएगी पढ़ाई ही अंत में। कोई बाप माँ भाई आपका ये अगर चाहे कि जिंदगी भर हमारा सपोर्ट करेगा, ये संभव नहीं है, मैं बता दूं स्पष्ट रूप से। तो मित्रता निभाइए, लेकिन एक सीमा में, और मित्रता के कारण पढ़ाई बाधित न हो। यानी कि अगर आप मित्रता निभाते हुए भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। तो आइए देखा जाए, आपका कल बताया जा रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत, इसमें हमने फ्रस्ट्रेशन के आधार बता रहा था, मैं असंभवता का आधार बता रहा था। पहला बताया कि जब संविदा हुई थी, लेकिन विषय वस्तु ही क्या हो गई, बर्बाद हो गई। यानी कि आपका विवाह तो संविदा विवाह की हुई थी, लेकिन लड़की ही क्या हो गई, मर गई। तो क्या उसकी बहन यानी कि भावी साली से विवाह करेंगे? तो भाई किया जा सकता है कि नहीं? विवाह की संविदा व्यक्तिगत होती है, करवा ना दीजिएगा, बिहार में पूछा जाता है। ऐसी संविदा क्या होगी, शून्य, क्योंकि पक्षकारों की क्या हो गई है, मृत्यु। दूसरा देखिए, पहला जो आधार बताया गया था, संविदा के विषय वस्तु की माने संविदा के पक्षकार की मृत्यु या अक्षमता, इसमें केस बताया गया था पियानो वाला रॉबिन्सन बनाम डेविसन का। दूसरा आपका बताया गया था कि संविदा की विषय वस्तु की बर्बादी, इसमें आपका टेलर बनाम कार्डवेल का बताया गया था कि गेस्ट हाउस के लिए संविदा हुई थी और गेस्ट हाउस क्या हो गया था, जल गया था। दूसरा आपका आलू वाला केस बताया गया था, वो याद रखना है, हावेल बनाम कूपलैंड। तीसरा आपका, अगर संविदा किसी विशेष घटना पर आधारित है और वह घटना घटित ही नहीं होती है, इसमें राजा का जलूस बताया गया था, केस याद रखिएगा, क्रेल बनाम कौन सा बताया गया था, हेनरी। इसके बाद आपका बताया गया था कानून या विधि में परिवर्तन या सरकार का हस्तक्षेप, यहाँ दो केस याद रखना है। दूसरा केस महत्वपूर्ण है जो आपका पूछा जाता है, दूसरा केस पूछा जाता है। पहला केस हम बताए थे मान सिंह बनाम खजान सिंह, जंगल से लकड़ी वाला केस, और दूसरा आपका कंसेप्ट पहले बनाइए। अगर सरकार का हस्तक्षेप अस्थाई है, तो वह संविदा शून्य नहीं होगी, बनी रहेगी। और जैसे ही सरकार ने अपना हस्तक्षेप क्या किया, हटा लिया, वैसे ही संविदा का क्या किया जाएगा, पालन। लेकिन अगर अस्थाई हस्तक्षेप है सरकार का, तब संविदा शून्य हो जाएगी। तो किस केस में भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, वह केस कई बार पूछा है, तो सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम।
इसमें सरकार ने हस्ताक्षेप किया था और अस्थायी किया था, तो जस्टिस बी के मुखर्जी ने कहा कि संविदा शून्य हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि नहीं हुई, क्योंकि 10 दिन के लिए सरकार किसी कार्य पर रोक लगा दे तो इस कारण से संविदा शून्य होगी कि नहीं। जैसे शराब का था कि कोरोना काल में कुछ दिनों के लिए शराब क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, तो क्या हमेशा के लिए बंद हो गई कि 20-25 दिन के लिए? तो संविदा अगर शराब की हुई होगी तो उस समय नहीं पालन होगी। जैसे ही सरकार ने दुकानों को खोला वैसे ही वे संविदाएं क्या हो गई चालू, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि सरकार का कैसा हस्ताक्षेप था, अस्थाई। वैसे भी दो बूंद वाले ही सरकार को पैसा दे रहे हैं और 2-3 दिन कोरोना काल में खुला दो बूंद की दुकानें, तो कई करोड़ रुपया खाते में सरकार का टैक्स आ गया, और टैक्स से आपका शिक्षकों और इत्यादि को आपका पेमेंट किया गया, वेतन दिया गया, क्योंकि वेतन अब हो रहा था कि लग रहा है कि क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये अब उस समय कहा जा रहा था कि देश को शराबी ही चला रहे हैं, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो पैसा सरकार को मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। तो आपका दो बूंद वाले ही, अब आइए युद्ध आइए, कि अगर वार या युद्ध होता है तो युद्ध का प्रभाव संविदाओं पर क्या पड़ेगा? तो एक एक लाइन याद रखा जाए। अगर युद्ध के दौरान संविदा की जाती है, जैसे कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अगर रूस का कोई व्यक्ति यूक्रेन के कोई व्यक्ति से इस दौरान संविदा करता है तो वह संविदा वॉइड होती है। तो पहला नियम बना लीजिए, अगर दो देशों में युद्ध चल रहा है उस दौरान दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वह संविदा क्या होगी, वॉइड होगी, यानी कि शून्य होगी। पहला नियम याद रखें। अब दूसरा नियम ये आया कि युद्ध के पहले की गई संविदा का क्या होगा। जैसे कि यूक्रेन और रूस के नागरिकों ने आपस में कोई संविदा की हो और वह संविदा युद्ध प्रारंभ होने के पहले किया हो, तो सामान्य नियम ये है कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक वह संविदा सस्पेंड रहेगी, निलंबित रहेगी, स्थगित रहेगी, और जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वह संविदा जो स्थगन था पुनर्जीवित हो जाएगी। फिर एक बार इसको समझिए, अगर युद्ध शुरू होने के पूर्व संविदा की गई है तो ऐसी कंडीशन में युद्ध के दौरान वह संविदा क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, उसका पालन नहीं किया जाता, और जैसे युद्ध समाप्त होगा उस संविदा का पालन अब क्या हो गया है, संभव। लेकिन लगानी है, और आपका लेकिन दो बातों में लगाना है कि दो बातें ऐसी हैं जहां कि भले संविदा युद्ध के पहले की गई हो, युद्ध के दौरान व युद्ध के बाद भी वह संविदा पुनर्जीवित नहीं होगी, वो सदैव शून्य होगी। पहली संविदा अगर इस नेचर की है कि वह दुश्मन देश को सहायता पहुंचाती है, जैसे कि अगर रूस के किसी कंपनी ने यूक्रेन को हथियार बेचने का वादा किया था, युद्ध हो गया, युद्ध, तो ऐसी दशा में अब ये जो वादा है अगर पालन किया जाए बाद में भी तो क्या होगा, यूक्रेन को सहायता मिलेगी, तो अब ये संविदा आपका क्या हो जाएगी, शून्य, पुनर्जीवित नहीं होगी। और दूसरा, अगर संविदा का नेचर ऐसा है कि सस्पेंड किया ही नहीं जा सकता, या तो पालन किया जाएगा या शून्य घोषित किया जाएगा, यानी कि संविदा की प्रकृति ऐसी है कि निलंबित करना संभव न हो, तो दो प्रकार की संविदाएं
आपका पुनर्जीवित नहीं होती, बल्कि ये क्या होंगी? शून्य होंगी। अगला आ जाइए, पट्टा देखना है। पहले तो लीज का उदाहरण देखिए, लास्ट ये है, पट्टा या लीज का उदाहरण देखिए। आपका पट्टा देखा जाए, पट्टा में होता क्या है? तो पट्टा पहले टीपीए से, देखिए आपका पट्टा पहले समझिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यदि पट्टे का निष्पादन हो गया है तो वह संविदा प्रवर्तित हो गई है, और पट्टे का निष्पादन नहीं हुआ है, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, तो वह संविदा अब शून्य होगी। तो पट्टे का निष्पादन कैसे होता है? पजेशन देकर, यानी कि कब्जा देकर। तो पट्टे की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? 105 में। पट्टे में उपभोग के अधिकार का अंतरण होता है कि स्वामित्व का? तो उपभोग के अधिकार का होता है। एक उदाहरण देखिए, ए का यह जमीन है, ए अपनी जमीन का कब्जा किसको देता है? बी को, और इसके बदले में प्रतिफल या मूल्य या पैसा लेता है बी से। तो ऐसी दशा में अब दो ही पॉइंट याद रखना है कि अगर ए ने बी को कब्जा दे दिया है, यानी कि पट्टे का एग्जीक्यूशन या निष्पादन हो गया है, तो संविदा पूर्ण हो गई, पालन हो गया। और पालन के बाद अगर सरकार इस जमीन को ले लेती है तो पट्टे पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि कब्जा बी ने क्या किया था? जमीन का ले लिया। नहीं, फिर एक बार देखिए, उदाहरण को फिर देखिए, दूसरे एंगल से उदाहरण देखिए। आपका मान लीजिए कि ए की जमीन रोड के किनारे थी, इसने बी को इस जमीन को पट्टे पर दिया था, और हुआ था कि बी 5,000 रुपया प्रति मंथ ए को किराया देगा, रेंट देगा, भाटक देगा। एक साल बी को कब्जा जमीन का दे दिया गया, यानी कि पट्टे का निष्पादन हो गया। एक साल बाद सरकार ने ये जमीन एक्वायर कर ली, और एक्वायर करके किसको मुआवजा दे दिया? ए को। अब बी चुकी जमीन पर काबिज था, तो बी को तो हटना ही पड़ेगा। तो जब सरकार का हस्ताक्षेप हो गया तो बताइए, पट्टा देने के बाद हुआ था कि पट्टा देने के पहले? यानी कि बी को कब्जा देने के पहले हुआ कि बाद में? बाद में। तो पट्टा वह था। अब यह है कि एक साल बाद चूंकि सरकार का हस्ताक्षेप हो गया, तो वह पट्टा अब क्या हो गया? शून्य हो गया। और बी चूंकि सरकार ने कब्जा ले लिया, तो क्या बी को किराया देने के लिए अब बाध्य किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं, क्योंकि कब्जा किसने ले लिया? आपका सरकार ने। दूसरा उदाहरण देखिए, ए ने बी से अभी वादा किया था कि हे बी, तुम मुझे 5,000 रुपया मंथली देना, और मैं आपका इस जमीन पर कब्जा तुम्हें दे दूंगा। अभी ए ने बी को कब्जा नहीं दिया, और तब तक सरकार ने जमीन क्या किया? एक्वायर कर ली। तो ये पट्टा शून्य होगा, क्योंकि अभी तो कब्जा दिया गया है कि नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया। तो असंभवता का सिद्धांत कब लागू होगा? जब पट्टे का निष्पादन न हुआ हो। हो गया तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि कब्जा दे दिया गया है। तो असंभवता कब हो जाएगी? जब सरकार ये जमीन बी को कब्जा देने से पहले ही क्या कर ले? ले ले, माने ले ले, वहीं लिखवा ले, मतलब कि एक्वायर कर ले, लिखवाना नहीं है आपका, ले लेना है, क्योंकि सरकार आपका मुआवजा देगी और जमीन क्या करेगी? ले ले। इस प्रकार डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के आधार सब बता दिए गए, मेंस में यही आधार 4-5 केस भी बताए गए हैं, याद रखना है। फिर हम एक बार लिस्ट बता रहे हैं, आपका पैराडाइन बनाम जेन का केस, असंभवता लागू नहीं, पहला केस।
असंभवता का सिद्धांत किस में टेलर बनाम काल्डवेल, फिर आपका जलूस वाला केस क्रेल बनाम हेनरी, आलू वाला केस हावेल बनाम कूपलैंड, फिर आपका जो केस है आपका ये पियानो वाला केस तो रॉबिन्सन का केस आपका है इसी आपका भारत में, तो सत्यव्रत घोष का खूब पूछा जाता है, सत्यव्रत घोष बनाम कौन सा, मंगनी राम का केस है, और आधार याद रखिएगा आधार भी आपको बताया गया, और आपका आधार में वही आपका लकड़ी वाला केस मान सिंह बनाम, तो 6-7 केस भी याद रखना भाई। धारा बेरेक शुरू किया जाए भाई, बेरेक निकाल लीजिए 56 दो लाइन का है, उसके बाद ख़त्म ही है, यानी कि सब कुछ तो बता ही दिया गया, बस एक बार आपका बेयर एक्ट की भाषा भी क्या किया जाए बता दिया जाए। देखिए 56 निकाल लीजिए भाई आपका, असंभव कार्य करने का करार, तो वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है, शून्य है। इसके बाद दृष्टांत दिया गया है पहला, और आपका जादू से गुप्त रूप का गुप्त निधि का पता चलाने का खो से को करार करता है, तो बताइए क्या जादू से खजाना खोजना ये आपका कार्य संभव है कि असंभव, असंभव है, तो ये आपका करार शून्य होगा कि संविदा, करार ही शून्य होगा। ये प्रारंभिक असंभवता है कि पश्चातवर्ती, बताया गया था प्रारंभिक, वार्ड एबिनिशियो होगा कि बाद में शून्य होगा, वार्ड प्रारंभिक असंभवता में बताया गया था करार शून्य होता है कि संविदा, और पश्चातवर्ती असंभवता में संविदा। भाई रट कर जाइए उस अगला देखिए, सेकंड पैराग्राफ अगला देखिए, उस कार्य को करने की संविदा जो तत्पश्चात असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए, तो ऐसा कार्य करने की संविदा जो संविदा किए जाने के पश्चात असंभव था, यानी कि संविदा किए जाते समय वैध थी, बाद में कुछ घटनाएं घटित हुई, तो बताइए भौतिक रूप से घटित हुई हैं कि कानूनी रूप से कि दोनों, भाई भौतिक असंभवता की कानूनी रूप से असंभवता की दोनों, तो बताया गया था ना विषय वस्तु नष्ट हो जाना भौतिक, और सरकार ने कानून बदल दिया कौन सा, तो असंभवता में बताइए भौतिक की विधिक की दोनों, या तो पालन असंभव था या किसी ऐसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता था विधि विरुद्ध हो जाए, यानी कि आपका घटना घटित हो गई और अब संविदा विधि विरुद्ध हो गई, यानी कि घटना का घटवा दीजिए आपका, जैसे सरकार ने जंगल से लकड़ी काटने पर क्या लगा दी रोक, और जंगल से लकड़ी काटना अब वैध रहा कि अवैध हो गया, तो ऐसी दशा में संविदा क्या होगी, शून्य होगी। लेकिन ऐसे, अब आइए, ऐसे कार्य के अपालन से हुई हानि के लिए प्रतिकर जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना ज्ञात हो, यानी कि अगर ए बी से ये वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए जादू से खजाना खोजूंगा, यानी कि ये नहीं दूसरा देखिए, अगर ए बी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई कार्य करूंगा, और ए जानता है कि इस कार्य का किया जाना संभव नहीं है और कार्य हो नहीं पाया, तो ऐसी दशा में आपका बी ऐसे मुआवजा की मांग कर सकता है कि नहीं कर सकता है कि हजूर हमने इन्होंने हमसे संविदा की, देखिए संविदा में ऐसा कार्य करने का संविदा की थी जिसका कि पालन किसी भी हाल में संभव, तो संभव नहीं था, तो हमें क्या इनसे दिलवाइए मुआवजा। तब आइए अगला अध्याय शुरू किया जाए आपका, अध्याय नंबर आपका 6 है क्या, कौन सा, नहीं 68 से 72 भाई आपका, अध्याय 5, पहले सामान्य नियम बनाइए तब आपका देखा जाए भाई। सबसे पहले आपको जनरल रूल कुछ जानना है, वैसे प्रयास ये करिए
कि जो सामान्य बातें बताई जाती हैं, मैं बता दूं 90% चांस है कि प्री का क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, 90%। सबसे पहले देखिए, संविधान का निर्माण कराया जाए। संविधान के निर्माण के लिए यह क्या क्या बातें आवश्यक हैं? तो पहली बात आवश्यक ये है कि एग्रीमेंट हुआ हो, और दूसरी बात क्या है लीगल तौर पे कि वह एग्रीमेंट कानून द्वारा प्रवर्तनी हो, यानी कि कानून द्वारा क्या कराया जा सके लागू। अब करार कैसे होगा, तो सबसे पहले प्रपोजल होगा, उसके बाद क्या होगा एक्सेप्टेंस होगा, फिर दोनों तरफ से वादे हो गए तो आपका करार हो जाएगा, और वह करार धारा 10 की शर्तों को क्या कर दे पूर्ति, तो संविदा हो जाएगा। यानी कि संविदा में पारस्परिकता होती है, संविदा के कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, यानी कि कोई करार अगर धारा 10 की शर्तों की पूर्ति करता है और कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है, वास्तविक संविदा है। कैसी संविदा? वास्तविक। लेकिन जब कानून न्याय के आधार पर, साम्य के आधार पर, गुड कंसेंस के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार पर, नेचुरल जस्टिस स्वाभाविक जस्टिस, या गुड कंसेंस के आधार पर, जस्टिस के आधार पर, इक्विटी के आधार पर कुछ संव्यवहारों को संविदा के आवश्यक तत्व न होते हुए, यानी कि धारा 10 की शर्तों की पूर्ति न होते हुए भी क्या मान लेता है संविदा, तो बताइए क्या इसे वास्तविक या एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हम कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सेक्शन 10 की कंडीशन को फुलफिल किया है कि नहीं, नहीं, तो इसका नाम होगा डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट। याद करके जाइएगा, डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, संविदा कल्प, अर्ध संविदा, संविदा संविदा जैसा, माने संविदा न होते हुए भी संविदा, या जो भारत में नाम दिया गया है संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के बारे में, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है संविदा कल्प या कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, अर्ध संविदा भी कहा जाता है, प्रकल्पित संविदा। फिर एक बार समझिए, संविदा के एसेंशियल एलिमेंट के अभाव में कुछ संव्यवहारों को संविदा मान लिया जाता है, जबकि संविदा में संविदा के गुण होते हैं कि नहीं, नहीं होते। जैसे कि आपका एविडेंस में भी जोड़ सकते हैं, मानिए कुछ चीज़ें क्या करिए, कल्पना करके चलिए, आपका कल्पना देखा जाए आपका पहला, और वह एविडेंस की धारा 114 में भी नए नए केस आ रहे हैं, बताया भी जाएगा कि अगर कोई पुरुष और स्त्री बिना विवाह किए हुए भी पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहते हैं तो उन्हें विवाहित मान लिया जाएगा, वास्तव में उन्होंने विवाह आपस में नहीं किया। तो उसी प्रकार विवाह नहीं हुआ लेकिन क्या किया जा रहा है, कल्पित किया जा रहा है। उसी प्रकार जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति करते हैं कि नहीं, नहीं करते, फिर भी उन्हें क्या मान लिया जाता है संविदा, तो संविदा तो है नहीं, तो संविदा जैसा मान लिया गया, इसीलिए संविदा से सृजित संबंधों के सदृश, सदृश माने उसी के समान कुछ रिलेशन दिए गए हैं, तो ये संविदा न होते हुए भी संविदा क्या किए गए हैं, माने गए हैं। ये मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, ये कुछ इसमें संविदा के तत्व मिलते हैं, कुछ अपकृत के तत्व मिलते हैं, यानी कि ये जो हम बताएंगे संविदा कल्प या कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, ये मिश्रण है किसका किसका,
तो कुछ तत्व टाट का मिलेगा और कुछ किसका, कांटेक्ट का, दोनों को मिलाकर क्या कह दिया गया, संविदा कल्प। संविदा है लेकिन संविदा के आवश्यक तत्वों को क्या करता है, नहीं पालन करता, इसी को एक लाइन में कहते हैं डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट। मानद संविदा, कल्पित संविदा, अर्ध संविदा, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, गलत ना हो, चार पांच नाम। अब जहाँ जहाँ अर्ध 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 या कोसाई हो या डिम्ड हो, आपका कर्तव्य है कि आप तैयार किए रहिए, एविडेंस में बताइए आपका, माने एक दो दिन में आ ही जाएगा आपका 63 का क्लाज 5 आएगा, 63 का क्लाज 5 आएगा एविडेंस में। डिम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रकल्पित दस्तावेजी साक्ष्य का सिद्धांत, मानद दस्तावेजी साक्ष्य का सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्यूमेंट की परिभाषा में सेट नहीं हो रहा है, फिर भी जबरदस्ती कानून उसे क्या मान रहा है, दस्तावेज। देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी, अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज को देखा हो यानी कि पढ़ा हो और मौखिक रूप से आकर न्यायालय में बयान दे, तो आज हमने बताया कि अगर कोई गवाह आकर अपना बयान मौखिक रूप से देता है तो उस बयान को कौन सा हम साक्ष्य कहेंगे, मौखिक के दस्तावेजी, मौखिक भाई कहा क्या जाएगा। लेकिन एक अपवाद है कि मौखिक रूप से बोल रहा है लेकिन मौखिक न मानकर क्या माना जाएगा, लिखित माना जाएगा। तो कहाँ अपवाद है, 63 का क्लाज नंबर याद रखिएगा, कौन सा, 5। अब दूसरा उदाहरण तो आज ही बताया गया कि अगर कोई गवाह बोलने में असमर्थ है, बताइए लिख कर बातें देता है तो मानना चाहिए दस्तावेजी, लेकिन 119 एविडेंस क्या मान रहा है, मौखिक। तो ये कहा जाता है डिम्ड ओरल एविडेंस, प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत, या आपका मानद मौखिक साक्ष्य। लिखा गया है लेकिन माना क्या गया, आपका मौखिक लेकिन लिखा गया है। तो अब आइए, अर्ध आपका संविधान में पूछा जाता है किसने भारत के संविधान को न 3 में न 13 में, यानी कि कोसाई फेडरल कहा था, अर्ध परिसंघीय या मानद परिसंघीय, कल्पित प्रसंघीय, बिहार में आया था पिछली बार, केसी हुयर, किसने, न 3 में न 13 में। तो फिर बैक हो ये आपका, अब तो संविदा कल्प तो दिमाग में बैठ गया होगा कि संविदा के तत्व नहीं है, फिर भी जबरदस्ती क्या है, संविदा मान लिया गया। एक उदाहरण राजनीतिक रूप से दिया जाए, जैसे राहुल गांधी जी हैं, नेता का गुण नहीं है लेकिन कांग्रेस वाले ये मान चुके हैं कि हमारा नेता कैसा हो तो राहुल गांधी जैसा हो, भले पीएम बनने का गुण न हो, क्योंकि कब आपका आलू से क्या बना देंगे, सोना, कोई भरोसा है। तो वास्तव में प्रियंका को अब तक आगे किए रहते तो कांग्रेस का हला भला, इसीलिए डूबती नाव से सब कांग्रेसी क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और भाजपा वाले तो इसी लालच में है कि सब भ्रष्टाचारी आ जाएं और हम उनको क्या करें, पाक साफ कर दें, यानी कि गंगा जल छिड़क देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, भ्रष्टाचारी, साफ साफ मतलब कि नैतिक रूप से साफ। जैसे सुबह बताया गया कोचिंग में, तो भाई नैतिक रूप से क्या करिए, साफ हो जाइए, यानी कि अनैतिकता कम बरतिए और गुड फेथ में कार्य करिए, यानी कि आपका नैतिकता का भी कुछ क्या करिए, पालन। तो विधि और नैतिकता के बारे में विवाद किसका है, हार्ट और फूलर, क्वेश्चन एलएलएम में बन सकता है। विधि और नैतिकता के बारे में कौन से दो विद्वान लड़ रहे हैं, तो हार्ट और फूलर। विधि कहती है कि आप स्वतंत्र हैं, चाहे आपका मने स्वतंत्र हैं, आप जैसा आचरण बाहर दिखाइए आपका कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नैतिकता कहती है कि भाई कोचिंग के आसपास आप थोड़ा सतर्कता और क्या करिए, सावधानी,
क्योंकि नैतिकता कहते हैं कानून नहीं, नैतिकता का भी पाठ पढ़ा गया। और आपका किसी को भाई बुरा ना लगे, किसी को पर्सनल रूप से नहीं कहा गया, मैं बता दूं, क्योंकि आपका देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप होता है। तो भाई ऐसा ना हो कि कल कोचिंग केवल ऑनलाइन चलाना पड़े और आपका कुछ लोगों को बाहर भी किया जा सकता है, ऐसा ना हो। क्योंकि भाई दूसरी कोचिंग में जाएंगे तो कभी संतुष्ट ही नहीं हो पाएंगे, जो यहाँ पढ़ लिया पूरा जिला घुमाएगा दिल्ली से दौलताबाद, फिर 1 साल बाद घर वापसी हो जाती है। तो आप जाकर एक बार पढ़िए, तमाम लोग हैं जो गए बाहर लेकिन फिर घर वापस आ गए, कहीं आश्रय नहीं मिला। तो फिर एक बार देखिए, इसको देखा जाए। अब अगला क्वेश्चन, संविदा कल्प की परिभाषा किस सेक्शन में दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका 68 से लेकर 72 तक में कोसाई कॉन्ट्रैक्ट है, तो बताइए क्या किसी धारा में संविदा कल्प को परिभाषित किया है? खोजिए और बताइए क्या किस कोई भी धारा 68 से 72 है जहाँ की परिभाषित किया गया हो? नहीं। खूब क्वेश्चन बनता है, संविदा कल्प खूब भरमाएगा, तो इनमें से क्या मारना है? कोई नहीं। संविदा कल्प को किसी भी सेक्शन में परिभाषित नहीं किया गया, पहला नियम। संविदा कल्प के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो भाई धारा ही गिन लीजिए प्रकार में, 68, 69, 70, 71, 72। तो संविदा कल्प के कितने प्रकार हैं, यानी कि कितनी दशाएं हैं जहां संविदा के एसेंशियल एलिमेंट न होते हुए भी जबरदस्ती कानून क्या मान लेता है संविदा? तो कितनी कंडीशन है? पांच, ये याद रखना है। दूसरा, आखिर ऐसा क्यों किया जाए? यानी कि खूब पूछा जाता है कि संविदा कल्प का आधार क्या है, अध्याय पांच का बेस क्या है? तो एक केस याद रखिएगा आपका, कौन सा केस है? मोसेज बनाम मैकफरलान, यही है ना, मोसेज बनाम मैकफरलान। एक सेकेंड भाई, हाँ, मोसेज बनाम मैकफरलान 1760 का केस है। जज का नाम भी पूछा गया है, मेंस फील्ड, जज का नाम याद करके जाइएगा। सर्वप्रथम जस्टिस मेंस फील्ड ने मोसेज बनाम मैकफरलान के केस में 1760 में ये बता दिया कि जो संविदा कल्प का आधार है अनजस्ट इनरिचमेंट, इंग्लिश वर्जन याद करके जाइएगा, जस्टिस मेंस फील्ड है भाई, जज का नाम आपका मेंस फील्ड। थोड़ा बहुत आवाज भर्रा रही है सही कह रहे हैं कि जाते जाते लास्ट में थोड़ा आवाज आपका शनिवार को तो और भर्राने लगते हैं भाई, लगातार बोलना है। आ? नहीं नहीं है, लेकिन आज भाई पहले ही पनौती लग गए हैं थोड़ा, भाई बोलते बोलते भी एक सीमा है बोलने की ना। फिर एक बार देखिए, मोसेज बनाम मैकफरलान का केस रट कर जाइएगा, 1760 का केस है, जज का नाम रट कर जाइएगा कौन सा, और आधार किस में बताया गया? तो आधार अनजस्ट इनरिचमेंट। अब हिंदी में देखिए क्या देगा, अन्यायपूर्ण धनी होने से रोकना। अब हिंदी में देखिए चार पांच शब्द, इंग्लिश वर्जन एक तैयार रखिएगा, अनजस्ट इनरिचमेंट। अब हिंदी में खूब घुमावदार देगा आपका, दे देगा अन्यायपूर्ण धनी होने से रोकना, इसके बाद आत्मा विरुद्ध धनी होने से रोकना, आत्मा विरुद्ध भी एक बार दिया है, एक बार आपका देखिए शब्द नहीं, अन्यायपूर्ण तो दिया है एक बार, और शब्द आपका चेंज किया है भाई।
और ये जो फायदा सही भाई अन्यायपूर्ण तो है, अनुचित फायदा होने से रोकना, और ये जो फायदा अनफेयर बेनिफिट या अन्य यानी कि अनुचित फायदा उठाने से रोकना, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के कीमत पर अनुचित फायदा नहीं उठा सकता, इसलिए संविधान न होते हुए भी पांच दशाओं में संविधान क्या किया करता है, कानून मान लेता है। किस आधार पर? जस्टिस के आधार पर। और किस आधार पर? इक्विटी के आधार पर। और किस आधार पर? प्राकृतिक न्याय। और किस आधार पर? गुड कंसेंस। लेकिन आधार याद रखिए, अनजस्ट इनरिचमेंट। अब आइए आपका भूमिका कम से कम बांध दिया जाए। 68 में आपका रहेगा, असमर्थ व्यक्ति को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना। इसमें पागल आ जाएगा और अवयस्क आएगा, जब भी पढ़िएगा मोहरी बीवी का केस और धारा 11। 69 में हितबद्ध व्यक्ति तो किराएदार का उदाहरण आ जाएगा, बिजली का बिल का। 70 में क्वांटम मेरिट पूछा जाता है, जितना काम उतना दाम। क्वांटम मेरिट अब रटिए किस धारा में? 70 में पड़ा हुआ माल पाने वाला यानी कि गुड फाइंडर किस में है? 71 में, और पनीर भूल से मित्र छोड़ ही दिया तो भूल किस में है? 72। याद कर लीजिए सेक्शन। आपका कितना कोसाई कांटेक्ट दिया है? 5। तो बताइए आपका जो व्यक्ति असमर्थ है उसको आवश्यक वस्तु प्रदान करेंगे तो कौन सी धारा? 68। जब 68 पढ़िएगा, मैंने सोमवार को पढ़ा जाएगा, तो धारा आप 10 पढ़िएगा, धारा संविधान नियम की 11 पढ़िएगा, आईपीसी की धारा 491 पढ़िएगा, 491, और तब आपका कौन सी धारा पढ़ाई जाएगी? 68। इस धारा मैं बता दूं, 10, 11 आईपीसी की कौन सी? 491, और फिर आपका कौन सा? 68। इसके बाद किराएदार का, तो बताइए बिजली का बिल जमा करने के लिए कौन बाध्य है? मकान मालिक की किराएदार? मकान मालिक। आ गए बिजली वाले, कह रहे हैं कि काट देंगे। अब किराएदार देख रहे हैं कि दो दिन मच्छर उठा ले जाएंगे गर्मी में, तो भाई किराएदार जमा कर दिया तो संविदा मकान मालिक से नहीं किया, लेकिन आपका संविदा मान ली जाएगी कि किराएदार बाद में किससे वसूल लेगा? मकान मालिक से, क्योंकि किराएदार हितबद्ध था कि नहीं था, क्योंकि तो कट जाएगी तो ना पानी मिलेगा, ना कूलर, ना बिजली। इसके बाद 70, जितना काम उतना दाम। तो ये दिखा दिया जाए, ए ने बी से कहा कि हमारे लिए चित्र बनाओ, हमारा सुंदर चित्र बनाओ, प्रदर्शनी लगानी है आपका। बी आपका आधा चित्र बना दिया तो ये कहा कि ना बनाओ, तो आधा तो बना दिया है, तो आधा जितना काम उतना काम, तो भाई आधा दाम दीजिए, आधा ही आपका बनाया गया। इसके बाद 71, पड़ा हुआ माल पाने वाला, रास्ते में जा रहे थे पर्स मिल गया, तो इसको कोरिलेशन ज़्यादा होगा, कांटेक्ट में होगा आईपीसी में। 403, और कौन सी धारा? आपका 404, पड़ा हुआ माल पाना, तो कैसा कर्तव्य होगा? उपनीति का। और पनीर भूल जाइए, सामान भूल जाइए, तो कौन सी धारा? 72, भूल या प्रपीड़न। तो आपका बताया जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, एक सेक्शन को कोरिलेट करके। अच्छे सिद्धांत हैं इसमें, 5 हैं भाई। भूमिका जो बांधी गई इसी में क्वेश्चन आ जाना 90% चाहिए, और 10% के लिए डिटेल में चलाना है। तो भाई सोमवार को क्लास चलेगा और रविवार को टेस्ट होगा 9:30 बजे से। फिर एक बार सूचना दी जाए ऑनलाइन वालों के लिए भी कि कल सभी क्लास बंद रहेंगे, और आज जीएस का भी क्लास आजकल 2 दिन बंद किया गया है, कल चला।